दोस्तों, हम आपका फिर स्वागत करते हैं हमारे चैनल एनिमल्स कल्चर पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजेस्ट एनिमल के बारे में, जिनको देखना प्राय काफी दुर्लभ होता है। इनमें से पहले नंबर पे है लीफी सी ड्रैगन। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक सी एक्वेरियम में हैं और आप सुंदर समुद्री पौधों को देख रहे हैं। उनमें से एक पौधा अपने पंखों को फैलाना शुरू कर देता है। एक सेकंड रुको, पौधों के पंख नहीं होते। आपने बस एक पत्तेदार या अजीब समुद्री ड्रैगन की खोज की है। यह एक सी हॉर्स जैसा दिखता है, लेकिन अधिक ड्रैगन जैसी विशेषताओं के साथ। ये सी ड्रैगन केवल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी तटों के समुद्र में पाया जाता है। ये रंग बिरंगे होते हैं, कुछ हल्के भूरे या पीले रंग के भी होते हैं। त्वचा के लंबे पत्तों के आकार के टुकड़े जो हरे दिखते हैं, इनकी लंबाई 8 से 9 इंच लंबी होती है, और कुछ तो इतने अजीब होते हैं कि उनकी लंबाई दोगुनी होती है। ये ड्रैगन समुद्री वनस्पति और छोटे मोटे समुद्री जीव खाता है। यह प्राणी देखने में बड़ा ही सुंदर है और इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। यह बड़ी मुश्किल से समुद्र में देखने को मिलता है। एक्वेरियम बिजनेस में इसकी काफी डिमांड है। यह प्राणी काफी महंगा बिकता है। मादा सी ड्रैगन 120 अंडे देती है और ये अंडे एक महीने में हैच होते हैं। और दूसरा स्ट्रेंज एनिमल है पेंगोलिन। पेंगोलिन फोलिडोटा गण का एक स्तनधारी प्राणी है, जिसके शरीर पर केराटिन के बने शल्कनुमा संरचना होती है, जिससे वह दूसरे प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। पेंगोलिन ऐसे शल्कों वाला इकलौता प्राणी है। यह अफ्रीका और एशिया के प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। इसे भारत में सल्लू सांप भी कहते हैं। जंगलों के कटने और अंधविश्वास के कारण इनका शिकार भी किया जाता है, जिससे यह प्राणी अब विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका है। पेंगोलिन मुख्य रूप से चींटियां और दीमक खाता है। इसकी जीभ अपने शरीर के आकार में दोगुनी तक हो सकती है। बाजार में यह छोटे से जीव की कीमत 12 लाख तक होती है। जब इस जीव को खतरा महसूस होता है, वह सिकुड़ कर एक गेंद की तरह हो जाता है और उसके शरीर पर बने शल्क कठोर हो जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और तीसरे नंबर पे है कोमोंडोर। कोमोंडोर एक हंगेरियन शिप डॉग है। यह एक लंबा और लंबे बालों वाला सफेद रंग का कुत्ता है। यह एक शक्तिशाली कुत्ते की नस्ल है, जो मुख्य रूप से संपत्ति की रक्षा करने के लिए पाली जाती है। 1544 ईस्वी में हंगरी में कोमोंडोर नस्ल को राष्ट्रीय खजानों में से एक घोषित किया गया था। इस कुत्ते की लंबाई 30 इंच से ज्यादा होती है और इसकी ऊंचाई 27 इंच तक होती है। इसका वजन 150 पाउंड तक होता है। कोमोंडोर का बालों का कोट लंबा, मोटा और सफेद होता है। अगर कोई भेड़िया उसको काटता है, तो ये बालों का कोट उसे बचाता है। इस कुत्ते के बालों का कोट इतना मोटा होता है, अगर ये स्नान करता है तो इस बालों के कोट को सूखने में 2 दिन से ज्यादा समय लग जाता है। और चौथे नंबर पे है एक्सोलोटल फिश। एक्सोलोटल को चलने वाली मैक्सिकन फिश के रूप में जाना जाता है। यह असल में मछली नहीं, एक उभयचर है। उभयचर वो प्राणी होते हैं जो धरती और जल दोनों में रह सकते हैं। इस मछली की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पास भारी गलफड़े और सिर के पीछे से वेंट तक फैली हुई एक दुमदार पंख होती है। इनका सिर चौड़ा और आंखें ढकी हुई होती है। ये मुख्य रूप से मांसाहारी हैं और इनका जीवन काल 10 से 15 साल तक होता है। पर तेजी से बढ़ता हुआ नदियों में पोल्यूशन और इनके बने हुए व्यंजनों के कारण इसकी प्रजाति लुप्त प्राय होने को है, इसलिए इसे सरकार से संरक्षण प्राप्त है। और पांचवे नंबर पे है ग्लास फ्रॉग। यह एक हरे रंग का मेंढक है, जिसके पेट के नीचे की त्वचा पारदर्शी होती है, जिसकी वजह से इसका दिल, लीवर और आंतें दिखाई देती है। यह मेंढक छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 2 से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। ये मेंढक साउथ मेक्सिको से लेकर पनामा तक पाए जाते हैं। ये मेंढक ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं और प्रजनन के समय नदियों के किनारे आ जाते हैं। ये मेंढक नदियों के किनारे पेड़ों या झाड़ियों के पत्तियों पर अपने अंडे देते हैं। नर मेंढक इन अंडों को शिकारियों से बचाते हैं और वो उनका पहरा भी देते हैं। जब अंडे फूटते हैं तो टैडपोल नीचे नदियों में गिर जाते हैं, जहां ये मेंढक के रूप में विकसित होते हैं। इनकी उम्र 10 से 15 साल होती है। और छठे नंबर पे है डम्बो ऑक्टोपस। डम्बो ऑक्टोपस सिर्फ एक ऑक्टोपस का नाम नहीं, बल्कि ये ऑक्टोपस की पूरी एक प्रजाति का नाम है, जो गहरे समुद्र में रहती है
और अपने पंखों के लिए प्रसिद्ध है। यह ऑक्टोपस डम्बो हाथी, जो कि एक डिज्नी कार्टून करेक्टर है, से काफी मिलता जुलता है। इस ऑक्टोपस की 15 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी बाहें त्वचा की एक वेब से जुड़ी होती हैं, जिनसे ये बाहें फैलाने पर छतरी जैसा लगता है। यह एक बड़ा ही दुर्लभ प्राणी है जो गहरे समुद्र में रहता है। अधिकांश ऑक्टोपस की तरह इसमें साई फेंकने वाली कोई थैली नहीं होती, क्योंकि यह गहरे समुद्र में शिकारियों का सामना कम ही करता है। इसकी लंबाई 1.8 मीटर तक होती है और इसका वजन 6 किलो तक होता है। और सातवें नंबर पे है साइगा हिरण। यह एक गंभीर रूप से लुप्त होने वाली हिरण की प्रजाति है, जो मुख्य रूप से कॉर्पथियन पर्वत और काकेश की तलहटी से यूरेशियन स्टेप जोन के एक विशाल क्षेत्र में रहती है। इनका बड़े पैमाने पर शिकार होता है, जिसकी वजह से ये लुप्त होने लगे हैं। यह हिरण 140 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका वजन 70 किलो तक होता है। इस हिरण की विशेषता है इसके चेहरे पर फूली हुई नाकों का जोड़ा, जो झुंड के कारण उत्पन्न हुई धूल से इसे बचाता है। सर्दियों में यह ठंडी हवा को गर्म करने में सहायता प्रदान करता है। इसके शरीर के बाल उसे सर्दी और गर्मी से रक्षा करते हैं। अभी तक 60% साइगा हिरण मारे जा चुके हैं। इनका शिकार इनकी खाल और मांस की वजह से किया जाता है। और आठवें नंबर पे है पैकूफिश, जिसे हम इंसानी दांतों वाली मछली भी कहते हैं। यह एक सर्वहारी मछली है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। यह मछली ज्यादातर समुद्र में पाए जाने वाली वनस्पति खाती है। इसकी लंबाई 1 मीटर और वजन 40 किलोग्राम तक होता है। इसको शाकाहारी पिराना मछली भी कहते हैं। और नौवें नंबर पे है प्लेटिपस, जो बत्तख मुंह के नाम से प्रसिद्ध है। यह पूरी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह स्तनधारी होने के नाते अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं, लेकिन इनकी माता गर्भधारण करने के बजाय अंडे देती है। पूरे स्तनधारी समुदाय में अंडे देने वाली केवल यही 5 जातियां हैं। जब क्रम विकास में स्तनधारी विकसित हो रहे थे, तो इनमें गर्भ में शिशु विकसित करने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाई, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म की श्रेणी में डाला गया है। इन प्लेटिपस के पैरों में कांटे होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार पर विष छोड़ते हैं। और अंतिम और दसवें नंबर पे है पिंक फेरी आर्माडिलो। पिंक फेरी आर्माडिलो अपने शरीर पर कवच रखने वाले प्राणी की प्रजाति है, जो साइज में सबसे छोटा होता है। यह सेंटर अर्जेंटीना के घास के मैदानों में या रेगिस्तान में देखने को मिल जाता है। इसकी लंबाई 90 mm से 115 mm तक होती है। इसका वजन 1 पाउंड से कम होता है। इसका कवच इसकी बॉडी से अलग दिखता है, जो गुलाबी आभा लिए होती है। यह गुलाबी रंग इसके ब्लड वेसल की वजह से दिखता है। मौसम के अनुसार इसके शरीर में खून की मात्रा बदलती रहती है, जिसकी वजह से इसके ऊपरी कवच का रंग भी बदलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।